हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ हेल्थ टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और आपका पेट साफ़ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको जो है पपीता और अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि अमरूद और पपीता जो है एक रेशे के फल होते हैं जो आपका पेट साफ़ करते हैं, आंतों को शक्ति देते हैं। और ये ऐसे फल हैं कि आप इनका दिन में किसी भी टाइम सेवन कर सकते हैं। तो अमरूद और पपीता ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको जो है 250 ग्राम पके हुए अमरूद लेने हैं। उसको जो है आपको रोज़ खाली पेट खाना है। खाली पेट खाने से क्या होगा, जो आपकी कब्ज़ है वो दूर हो जाएगी, और जब आपकी कब्ज़ दूर होगी तो जो आपकी जो बवासीर की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अमरूद का सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं आप, और ये जो है डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसे कर सकते हैं। अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि जो पंखे, कूलर, एसी चलते हैं, उससे जो है हमारे हाथ पैरों में जो है अकड़ाहट हो जाती है। इस अकड़ाहट को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि प्याज का रस लेना है और उसको जो है आप गुनगुना कर लीजिए, और हथेलियों और पैरों के तलवों की जो है आपको मालिश करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो हाथों और पैरों की अकड़ाहट है वो ठीक हो जाएगी। हल्दी, हल्दी जो है आपके लीवर को जो है स्वस्थ रखती है। हल्दी कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाती है, और हल्दी जो है आपके सर्दी, खांसी, जुकाम में भी आपको जो है काफ़ी आराम करती है। इसके लिए जो है आपको हल्दी का दूध पीना चाहिए, जबकि सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर करता है। और अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, काफ़ी सारा पेन होता है कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसमें भी जो है आपको हल्दी का दूध लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको हल्दी के दूध पीने से जो है पीरियड्स में भी आपको जो है काफ़ी आराम। भिंडी, भिंडी में जो है पैक्टिन और घुलनशील फाइबर होता है, जिसको आपके भिंडी जो है आपके तिल को जो है स्वस्थ रखती है, और जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है, और हार्ट अटैक के खतरे को भी भिंडी जो है कम करती है, क्योंकि भिंडी जो है आपके हार्ट को काफ़ी स्वस्थ रखती है। कमल ककड़ी, जिसे बीस भी कहते हैं, कमल ककड़ी जो है डायबिटीज़ के रोगी को ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपका शुगर लेवल है वो कम करती है कमल ककड़ी। तो इसलिए डायबिटीज़ के रोगी को जो है कमल ककड़ी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि कमल ककड़ी में जो है प्रचुर मात्रा में कॉपर होता है, जो हमारे बालों और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कमल ककड़ी के सेवन से जो है मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और खून बढ़ता है, इसलिए कमल ककड़ी जो है ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपको दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके दांतों में दर्द हो, मसूड़ों में दर्द हो, दांतों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, कुछ भी हो, तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 3 से 4 अमरूद के पत्ते उबाल लेने हैं, और फिर उस पानी को जो है आपको थोड़ा ठंडा होने देना है। और जब वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तब उस गुनगुने पानी से जो है पानी को छान लेना है, गुनगुने पानी को छान लेना है, और उसमें जो है थोड़ा सा नमक मिलाकर जो है आपको कुल्ले करने हैं आपको, जिससे कि आपकी जो है इन सब की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको ये हेल्थ टिप्स अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।